good good morning everyone good morning beta good morning all of you okay

ओके okay, तीन चैप्टर में खत्म हो जाएगा ये जो भी 2022-23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सेशन हमारे सेशन होते हैं बेटा लाइव सुबह साढ़े ग्यारह बजे गुड मॉर्निंग लेट एवरीबडी नो एंड लेट एवरीवन ब्रिंग इन कौन है एनिमल किंगडम पढ़ाने को बोल रहे भाई पांच साल लगा के मैंने बॉटनी पढ़ा है ठीक है उसके बाद सात साल लगा के पढ़ाया है और अब तुम बोलो जोलॉजी पढ़ा दूँ मैम थोड़ा देर में दो चार महीने बाद बोला मैं फिजिक्स पढ़ा दूँगा। केमिस्ट्री भी पढ़ा ही देते मैम क्या जा रहा है आप पढ़ाते क्यों नहीं हो केमिस्ट्री केमिस्ट्री का है नहीं पढ़ा ओहो। फरमाइश होगा लेवल ऊंचा जा रहा है ऊंचे से भी ऊंचा जा रहा है तो इलेवन थर्टी बॉटनी ठीक है मैं एनिमल किंगडम क्यों नहीं पढ़ाती क्योंकि सीप मैम ग्यारह तीन बजे जुअलॉजी पढ़ाती थी। ठीक तो उनसे अच्छे से पढ़ो जुआलॉजी एनिमल किंगडम कुछ भी करते हो यार थोड़ी देर में आकांक्षा बॉटनी पढ़ा दो चलो आई एम मास्टर्स इन बॉटनी आई बी टेकिंग बॉटनी आई एम टेकि जो भी बच्चे नए हैं फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को भी सब्सक्राइब करो और ये है जहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे बेटा दिस इज वेर यू विल फाइंड पीडीएफ एंड लिंक ऑफ द सेशन ठीक है चलिए सारे सेशन सब कुछ इस पर अपडेट हो जाएगा रोज क्लास कहां होती है किन द टेलीग्राम चैनल और आपको अगर पढ़ाना पसंद आए यू लाइक माई सेशन एंड मेंडरशिप यू कैन यूज कॉमन लाइफ कोड एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन टूडे ओके टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा आपको शुरुआत करते हैं सेल साइकिल से वट एक्सैक्टलीज अ सेल सिंपल सी बात अगर हम करें किसी भी सेल की सो जल्दी शुरू कर देते बेटा है ना एनसीआर सामने सबके खुली होनी चाहिए कितने बच्चे हैं शाबाश एन सामने खुली होनी चाहिए ठीक पेंसिल पेपर एक पेन डायग्राम पेंसिल से बनेंगे लेबलिंग पेंसिल से होगी पेन चाहो तो यूज कर लेना लेकिन थोड़ा डायग्राम में ध्यान से ये काम किया जाएगा रेडी क्विक 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 थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन क्विक 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 शाबाश बेटा राइट नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी आप समझ रहे हो ना बायो के अंदर पता नहीं कितने चैप्टर्स ऐसे मिलेंगे आपको जहां पे आपको माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस पता होना चाहिए जहां आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए ठीक है तो इस वीक का हमारा जो टारगेट है मैं पहले ही बता देती हूँ इस वीक का जो हमारा टारगेट है वो दो चैप्टर्स रहेंगे एक तो सेल साइकिल सेल डिवीजन एंड लिविंग वर्ल्ड तो इस हफ्ते में दो चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं बॉटनी में मेरी तरफ से मैंने बता दिया आज ठीक लेट्स गेट स्टार्टेड हफ्ते में दो चैप्टर हो गए पिछले हफ्ते प्लांट किंगडम हो गया था लगभग लगा लो इस महीने के अंदर अंदर पांच चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे सो विच इज अ क्वाइट गुड डील फाइव चैप्टर्स इन अ मंथ लेट्स गेट स्टार्टेड लेट्स टॉक अबाउट अ सेल सेल के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हो इट्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इट्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इट इज वेर लाइफ स्टार्ट ठीक किसी भी सेल के पास तीन काम होने वाले हैं वॉट अ सेल डज सेल विल आईदर डिवाइड या तो एक से दो दो से चार चार से आठ आठ से सोलह होता रहेगा इट विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग लेकिन अगर ऐसा होता तो हम आज ऐसे नहीं खड़े होते पूरे अर्थ पे सिर्फ सेल ही सेल होते एक 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 एक, एक, एक इंडिविजुअल सेल सेल होता इज नॉट नॉट एवरी जस्ट डज ऑलवेज डिवाइड है ना हमेशा डिवाइड नहीं करता है कुछ सेल्स हैं जो डिवाइड करते रहते हैं और एक सोर्स की तरह एक्ट करते हैं नए सेल्स के लिए ठीक है जैसे आपके घर में मैगी आ रहा है आप मैगी बना के नहीं खाओगे तो पूरी दुनिया में मैगी 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 मैगीट्ठा हो जाएगा ठीक सो वॉट वी हैव टू डू इज जैसे ही एक सेल दो में डिवाइड करता है दो से चार में डिवाइड करता है कुछ सेल्स को हम छोड़ देते हैं डिवाइड करने के लिए ताकि हमारे पास एक रॉ मटेरियल बना रहे हमें नए नए सेल्स मिलते रहे और बाकी के सेल्स को हम धीरे धीरे कोई फंक्शन देते चले जाते हैं बट आपने देखा होगा कितने वेरिड फॉर्म ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के है ना यू सीन द लॉन्ग डिवाइडेड द ब्रांच दर स्पेरिकल बहुत सारे शेप्स आ जाते हैं स so, आपके सेल को थोड़ा सा अपना साइज चेंज करना पड़ेगा उसको एलोंगेट होना पड़ेगा थोड़ा सा शेप में डिफरेंस लाना पड़ेगा एंड फिर हम उसको कोई काम दे देंगे ठीक है वी विल प्रोवाइड सम वर्क टू इट एंड दैट इज नोन एज डिफ्रेंसिएशन और मैच्यूरेशन और मैचुरेशन ठीक है तो सेल को करना है या तो डिवाइड डिवाइड होने के बाद कुछ सेल्स को हम वैसे ही रख लेते हैं डिवाइडिंग स्टेज में जो हमेशा बस एक चक्की की तरह चलते रहेंगे और नए 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 सेल्स हमें प्रोवाइड करते रहेंगे दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं वो सेल्स जिनको आगे अपनी जिंदगी में कुछ बनना है कुछ अलग काम करना है तो उनको हमने थोड़ा सा इलॉन्गेट किया और फिर उनको बोला कि जाओ बेटा आप अपना जिंदगी जियो फ्लोएम तुम्हें जो बनना है जिंदगी में बनू सो चैप्टर में मेरा फोकस इलाशन और डिफ्रेंसिएशन नहीं है इस चैप्टर में हमारा फोकस रहेगा उ डज अ सेल डिवाइड वो जो चक्के में है ना गोल 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 बस आपको बार बार उसी साइकिल में एक ही चीज कर रहा है वो सारी जिंदगी फॉर एवर एंड एवर इट्स डिवाइडिंग एंड गिविंग यूर न्यू सेल डिवाइडिंग एंड गिविंग यूर न्यू सेल डिवाइडिंग एंड गिविंग यूर न्यू सेल वो काम करना है ठीक है हाउ डज दैट हैपन डू यू थिंक इतना रैंडम प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म चलेगा कि जब मन कर रहा है तब डिवाइड और जैसे मन कर रहा है वैसे डिवाइड नहीं things are going to be very very specific so cell cycle ki agar baat karte hai. cell cycle is a process by which a cell divides process by which cell division takes place and this process is Ordered, sequential, sequential और ordered ऑर्डर का मतलब एक तरीके से ही होता है आगे पीछे नहीं भाग सकता क्यों अरे नहीं नहीं चाबी रहेगी घर की पीछे एक बार भूल गया चाबी तो भूल गया चाबी वापस नहीं आ सकता इट कैन नॉट गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन इट विल ऑलवेज मूव इन वन साइड वन सिंगल साइड वन सिंगल डायरेक्शन ठीक है सो इट इज ऑर्डर्ड इट इज सिक्वेंशियल एंड इट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैसे हमारे जो हमारे जेनेटिक मटीरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए बैठा है वो ये चीज ट्रिगर करता है कि अब डिवाइड हो अब नहीं हो अब आगे जाओ अब पीछे जाओ पीछे तो हम जा नहीं सकते आगे जाओ और आगे जाओ और घूम के वापस इधर आओ तुमने खराब बना दिया तुमको हटा देंगे तुमने ठीक बनाया सेल तुमको बचा लेंगे ये कहानी पूरी की पूरी अंडर कंट्रोल ऑफ जेनेटिक मटेरियल चलती है लेकिन डीएनए भाई साहब खुद नहीं आते किसी भी प्रजा किसी भी आर्मी का राजा खुद नहीं पहुंचता आगे आगे की बोल भाई मैं मैं लड़ेगा उसको गोली दी खत्म गई कहानी उट ऑफ द्यूक्लियस डीएनए नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व डीएनए जब भी कंट्रोल करेगा वाया प्रोटीन कंट्रोल करेगा डीएनए आर एन प्रोटीन बनवाता है इट्स अ कैस्केड ऑफ ट्रांसफरिंग द ऑर्डर्स और वो ऑर्डर फाइनली जाता है प्रोटीन पे तो डीएनए के कंट्रोल में है जेनेटिक मटेरियल के कंट्रोल में है और वो कंट्रोल वो कैसे जताता है प्रोटीन की मदद से कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारे सेल साइकिल को सेल के डिविजन को एंड दोज पर्टिकुलर प्रोटीन दैट कंट्रोल आर नोन एज साइक्लिन एंड साइक्लिन आ जा साइक्लिन यार डिपेंडेंट पता था चलो डिपेंडेंट काइनेजेस इसको प्यार से बोलते हैं हम सी डी केज एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस क्लियर दीज आध प्रोटीन दीज द इंटरैक्शन ये प्रोटीन है ये एंजाइम है ऊपर वाला प्रोटीन और नीचे वाला एंजाइम अब प्रोटीन और एंजाइम में क्या डिफरेंस है एंजाइम्स आर आल्सो एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीनेशन इन नेचर लेकिन वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो किसी प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड करने में मदद करते हैं ठीक है राइट तो यहां तक की कहानी क्लियर so it is genetically controlled it is sequential it is ordered and and what the message chalega beta ulta pulta nahi ja sakta ulta pulta nahi ja sakta agar aap pure cell cycle ki interphase and the second one is known as m phase interphase and m phase इंटरफेस काफी बड़ा होता है काफी लंबा ड्यूरेशन है इट्स द प्रिपरेटरी फेज वही वाली बात होगी इसका एग्जाम्पल मैं हर बार देती हूं कि इमेजिन करो इमेजिन करो आपका कॉलेज का ये नीट का प्रिपरेशन इमेजिन कर लो एक मिनटिंग ओके इमेजिन योर नीट प्रिपरेशन ओनली काय का लैग कोई लैग नहीं है सही चल रहा है चलो क्या चीज है ऐसी क्या यार तुम लोग भुलवा दोगे लाग लाग के चक्कर में क्या बताई थी मैं हां इंटरफेस की बात कर रहे थे हम इंटरफेस इज द प्रिपरेटरी फेज प्रिपरेटरी फेज का मतलब

माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा हेंस दिस इज नोन एज अ अ रेस्टिंग फेज फेज ठीक लेकिन जो धमाकेदार मोमेंट है वो क्या है तीन साल की नीट की प्रिपरेशन या दो साल की नीट की प्रिपरेशन के बाद वो तीन घंटे का पेपर बाहर आए धजिया उड़ी है घर वाले भी ऐसे बैठे हाय बेटा दही चीनी खा के गया था क्या हाल है जो, जो ड्रामेटिक फेज है वो है एम फेज क्योंकि जो सारा ड्रामा हुआ वो उसी दिन हुआ तीन घंटे में ठीक है स्कूल का एनुअल फंक्शन तीन महीने से प्रिपरेशन चल रही है रोज क्लास बंक मारे नहीं मैम वो डांस डांस वाले ग्रुप में थे नहीं मैम गाना गाना गा रहे थे हम लोग वो क्या रहा है वो तीन महीने तो बहुत टाइम लगाया बहुत मेहनत करी बट उस टाइम ता ऐसे होता है ना बकवास सिर्फ तुम क्लास मिस करते हो और कुछ नहीं करते हो तुम बकवास कर रहे हो सिर्फ ये होता है जिस दिन एनुअल फंक्शन है उस दिन सारा अरे बेटा वाह वाह क्या डांस किया तुमने भाई तीन महीने पिछली बार नहीं करा होता डांस तो आज क्या कर लेता भाई पॉइंट प्रैक्टिस फॉट नॉट एवरीबडी गिव यू क्रेडिट फॉर द इंटरफेस फॉट बट द्रेडिट इज गोइंग टू बी फॉर देंस माइक्रोस्कोप के अंडर मजेदार तरीके से इच एंड एवरी स्टेजिबल मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इसलिए दिस इज ऑल्सो नोन एज मोस्ट ड्रोमैटिक फेज दिस इज द मोस्ट ड्रोमैटिक फेज ठीक है टाइम कम बट ड्रामा ज्यादा Interphase is longer and is divided into three different phases: G1 phase, S phase, and G2 phase. M here stands for what? Ye M is stand hai. This M might be for mitosis or meiosis. Okay? Like in sad cells, most of the cells they show mitosis. Mita? Any issues at your end? भटक गया क्या हाँ लैग हुआ अभी ठीक है अभी ठीक है यहां पे सही दिखा रहा है तुम्हारे पास लाग हो रहा है मेरे पास भी लाग हो रहा है अभी ठीक है आई थिंक नाउ इट्स फाइन चलो मूविंग अहेड राइट नाउ मूविंग अहेड पढ़ाता लेंदे भाई स्पेशल क्लास पे क्या कीर्तन होएगा है अंताक्षरी खेलनी स्पेशल क्लास में <laughs> पढ़ाता लेंदे जी प्राणी एम फेज फिर से वही बात होगी इट कुड बी अ माइटोटिक फेज फेज और मियोटिक डिपेंडिंग ऑन क्या टाइप का सेल डिवाइड कर रहा है ठीक है पूरा टाइम जो सेल साइकिल लेगा द फुल कंप्लीट टाइम द सेल साइकिल इज गोइंग टू टेक इंटरफेज इंक्लूडिंग एम फेज दोनों फेजेस को मिला के उसे हम कहते हैं जनरेशन टाइम ट मीन सेल साइकिल के दोनों फेजेस को कंप्लीट होने में एक सेल से दो सेल बनने में डिविजन होने में पूरे को कंबाइनिंग दीज टू वी गेट जनरेशन टाइम जेनरेशन टाइम जेनरेशन टाइम के कुछ एग्जाम्पल एनसीआरटी ने लिए हुए हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन सेल ठीक है अगर हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो ह्यूमन सेल के अंदर एक सेल का हम जनरेशन टाइम ट्वेंटी फोर आवर्स का लेते हैं जनरेशन टाइम एस 24 फोर ठीक दिस ट्वेंटी फोर आवर्स ड्यूरेशन इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ट्वेंटी थ्री आवर्स एंड वन आवर ये है एम फेज और ये है इंटरफेज जिसका मतलब क्या हो गया कितना ड्यूरेशन आपका ऑलमोस्ट इंटरफेज में चला गया एनसीआरटी सामने खोलने को बोली थी मैंने क्या हाल उसका? You guys have your NCRT's with you. NCRT में दिया हुआ है सीधा सीधा ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज गोइंग टू टेक प्लेस वाई सेल्स इंटरफेस मिला पेज नंबर बोलूं एनसीआरटी का पेज नंबर बोलो भाई एनसीआरटी पेज नंबर ऑफ सेल साइकिल सेल इज इलेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर दीज सेल्स डिवाइड वोक्सिमेटली एवरी 24 आवर्स मिला उसी के नीचे आओ इंटरफेज एम फेज लिखा हुआ है उसके नीचे वाले पैराग्राफ की लास्ट लाइन द इंटरफेस लास्ट फॉर मोर देन 95 परसेंट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल नियरली नियरली 95 परसेंट ऑफ ड्यूरेशन इज गोइंग टू बी सेल साइकिल इज गोइंग टू बी इंटरफेस तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा टाइम ले ये प्रिपरेशन इज गोइंग टू टेक मोर टाइम देन ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लिया हुआ ईस्ट का ये तो ह्यूमन सेल का एग्जाम्पल है अनदर एग्जाम्पल इज 90 मिनट्स फॉर ईस्ट उसमें भी वही हो गया 85 फाइव मिनट्स ऑलमोस्ट यू आर गोइंग टू गो फॉर 85 फाइव मिनट्स आपका चलेगा इंटरफेज एंड फाइव मिनट्स विल बी एम फेज एटी एंड फाइव मिनट्स ये डिविजन होगा ज जेनेशन टाइम दैट मीनस अ सेल इज डिवाइडिंग इंटू टू तो पूरा साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगभग पूरा जाता है क्लियर यहां तक लिख लिया आगे चले चलू आगे बेटा देन क्विकली कॉमेंट सेक्शन क्विक शाबश कूल इसके बाद ड्रॉ करने वाली हूं तो अपने आसपास कोई देख लेना चूड़ी हो या सर्कल बनाने के लिए कोई गोला वोला हो तो बना लेना उससे एक सर्कल सर्कल छोटा बनेगा छोटा बनेगा सर्कल क्योंकि ज़्यादा है लेबलिंग के लिए जगह छोड़ दें इतना बड़ा सर्कल मत बना देना बीचों बीच ठीक है मूविंग मेरा सही गड़बड़ हो जाना है बन गया चलो ऐसे बना लेते हैं, ठीक एनसीईआरटी पुरानी वाली बाय चांस अगर किसी के पास है वैसे होनी नहीं चाहिए बट बाय चांस अगर किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी है तो ध्यान देना उसमें थोड़ा पहले वाली एनसीईआरटी में जीवन फेस को छोटा दिखाया हुआ है एस फेज बड़ा दिखाया हुआ है डायग्राम में ठीक है वो सही नहीं है तो जो मैं अभी बना रही हूं प्लीज उसको ध्यान देना ओके जी वन फेज एस फेज जी टू फेज योर इस सेल ने सोचा जिंदगी में कुछ नया करते डिवाइड करते हैं ठीक है तो ये सेल अभी जो साइज है इसका इससे इसका साइज इंक्रीज करना पड़ेगा एवरीथिंग डिवाइडेड इनटू टू तो जब हम इंक्रीज के ऊपर स्टार्टिंग में आते हैं तो हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म बढ़ा ले पहले ठीक है आपके घर में बंटवारा ठीक अब सोफे दो सोफे एक तू लेके जाए एक मैं लेके जाऊं दो टीवी एक तू लेके जाए एक मैं लेके जाऊं तो, तो वो वाला काम हो रहा है द सेल इज गोइंग टू नाउ डिवाइड बटवारा हो रहा है सेल का तो हर चीज बराबर-बराबर बांटी जाएगी जिसके लिए साइटोप्लाज्म हैज टू बी इंक्रीज स्टार्टिंग विद द जी1 फेज आल्सो नोन एज गैप 1 फेज आल्सो नोन एज गैप 1 फेज नाउ गैप 1 फेज इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज एंड सल साइकिलेस्ट फेज लॉन्गेस्ट फेज ठीक सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है क्यों क्योंकि यहां सबसे ज्यादा हम साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करने करने वाले हैं साइटोप्लाज्म में आपको क्या मिलेगा यू आर गोइंग टू फाइंड सेल ऑर्गेनलीज सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन ठीक है साइटोप्लाज्म इंक्रीज साइटोप्लाज्म इंक्रीज देर विल बी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस, उसको बढ़ा देंगे ठीक है ठेके? तो ये सारी चीजें हाँ करो तुम्हारी इतनी ही खोपड़ी है ठीक है एंड ये बॉडी इज साइज ऑफ अ कॉन्टिनेंट ठीक है या वो छोड़ो एक स्टेट जितना लगा लो महाराष्ट्र जितना बड़ा आपका पूरा खोपड़ा है, है और दिल्ली जितना खोपड़ी ठीक है यू आर आउट ऑफ कंट्रोल योर ब्रेन इज टू स्मॉल टू कंट्रोल योर होल बॉडी हेंस योर न्यूक्लियस इज टू स्मॉल टू कंट्रोल सच अ बिग सेल तो ये जो सेल को मैंने इंक्रीज किया ना इसका साइटोप्लाज्म इसके वजह से साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है क्या हुआ न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो की धज्जियां उड़ गई न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है एंड वाइस वर्सा इज खत्म हालत ठीक तो ऐसे में क्या होगा आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल द होल सेल सिंस आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल द होल सेल आई विल डिवाइड बोले दो ब्रेन बनाओ दो खोपड़ी लगाओ वैलिड ना पॉइंट? दो खोपड़ी लगाया दो ब्रेन लगाया मतलब सेल को अब न्यूक्लियस को डिवाइड कराना पड़ेगा ठीक तो हम जैसे जैसे जीवन फेज में अंदर आते जाते आते जाते हमारा साइटोप्लाज्म बढ़ गया है सेल का साइज बढ़ गया है एवरीथिंग इज नाउ डबल सब कुछ बढ़ता जा रहा है सेल ऑर्गेनली बढ़ गया साइटोप्लाज्म बढ़ गया प्रोटीन बढ़ गया आर एन ए बढ़ गया इतना ज्यादा चीजें हो गई हैं कि नाउ माई सेल इज क्वाइट सामान बहुत ज्यादा तो बोला यार इतना सारा काम हो चुका है आप न्यूक्लियस डिवाइड करना पड़ेगा तो न्यूक्लियस डिवाइड करने के लिए बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज द जेनेटिक मटीरियल इज दैट ठीक है पूरा बॉडी बना रहे हो आप हो जाता है ना कुछ लोगों के हाथ जैसे होते हैं लोगों, लोगों के फिंगर्स में देर इज एन एक्स्ट्रा फिंगर ठीक है अगर मान लो कुछ छोटे फिंगर के साथ नहीं पैदा हुआ चार उंगलियां हैं बस चल जाएगा काम काम चल जाएगा राइट फिजिकल डिसेबिलिटी काम फिर भी चल जाएगा मेंटल डिसबिलिटी वेरी रॉन्ग देर है ना नॉर्मल फिजिकल अपेयरेंस होने के बावजूद समाइम्स इट इज ऑफ नो यूज हाथ पैर कंट्रोल में ही नहीं है तो पॉइंट ही नहीं है फिर उसका तो ऐसे में योर ब्रेन टू बी टेक्रा केयर बनिलरलीस के डिविजन के टाइम पे भी हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा क्या चीज हो रही है कब तो जितना काम तुम्हें करना है ना जो तुम्हें ड्रामा करना है यहां कर लो इधर कर लो लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्लीन एंड क्रिस्प एंड स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन ऑफ सिंथिस फेज रिस्ट्रिक्टेड टू थ्री मेन इवेंट्स देखो बाकी काम होता रहेगा पीछे लेकिन ये वो टाइम है जिस टाइम पे कुछ चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान देना एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेजेस आर ड्यूरेशन सिंथेसिस फेज इन सिंथेसिस फेज आई हैव थ्री मेन पॉइंट्स टू टेक केयर ऑफ डीएनए है ठीक है सेकंड हिस्टोन डुप्लीकेशन मैम डुप्लीकेशन रेप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है कुछ नहीं रेप्लीकेशन इज अ प्रोसेस यूजुअली ठीक है वी रेप्लीकेट एग्जैक्ट सेम कॉपी बना रहे हैं डुप्लीकेट यूजुअली हम लार्जर ऑर्गेनाइजी वगैरह के लिए बोल देते हैं ठीक है डीएनए रेप्लीकेशन हिस्टोन डुप्लीकेशन एंड थर्ड इज सेंट्रियोल डुप्लीकेशन सेंट्रियोल इज एन ऑर्गेनली नॉट बाउंड विद बाई मेमब्रेन आपके आसपास कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा इस ऑर्गेनली में और ये ऑर्गेनली दो में डिवाइड करता है सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट आर एब्सेंट इन प्लांट सेल तो यहां पे प्लांट सेल में क्या सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा नहीं होगा तो उस टाइम पे क्या होगा what is going to be there there is going to be increase in mtoc microtubule organizing complex ab dimag mein kabrad mein ye kya ho gaya hey bhagwan so now in this particular point we have to take care कि सेल चैप्टर का लास्ट वाला पोर्शन देख लिया जाए मैं गया गया, सेल पढ़ाया नहीं मैंने cell पढ़ाया हुआ है एक बार लास्ट सेंट्रियोल और uh, न्यूक्लियस वाला पार्ट आप थोड़ा सा देखोगे कल की क्लास में आने से पहले ठीक है आई विल ऑल्सो शेयर द लिंक इन द टेलीग्राम ग्रुप इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट बट आई विल हेल्प दैट मतलब इतना हेल्प मैं कर सकती हूँ आई सेंड यू द लिंक ऑफ दैट पोर्शन जिसको मैं रिवाइज करने को बोल रही हूँ हां जी काफी अच्छा सवाल है डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है जब आप एक से दो में हो जाओगे उसको रेप्लिकेशन बोल देते हैं ठीक है तो जब कॉपी बनाते हैं हम डीएनए की उसको डीएनए रेप्लीकेशन बोलते हैं ठीक यहां तक क्लियर हुआ यहां तक क्लियर हुआ।, हुआ ये तीन मेन इवेंट्स होने वाले हैं किसमें एस फेज के अंदर एस फेज में बाकी काम भी बैकग्राउंड में हो रहा है अगर होने की रिक्वायरमेंट है तो बट मेन फोकस मेन एनर्जी इज गोइंग टू तो बी हियर अब आप देखो मेन पॉइंट क्या है डीएनए का बेटा रेप्लीकेशन होना है डीएनए को अगर मैं बिल्कुल छोटा 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 तोड़ दू है ना तो उसके कुछ यूनिट्स होंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम वही एक माला तोड़ देते हैं तो छोटे छोटे बीड्स निकल आएंगे है ना तो ऐसे ही जब डीएनए को आप तोड़ते हो तो एक स्ट्रक्चर एक चीज एक मॉलिक्यूल निकल के आता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड उनका सिंथेसिस पहले से करा के रखना पड़ेगा क्यों यहां बनानी है ना चीज जब घर पे चौमिन यहां बनना है इस टाइम पे जब नूडल्स बनना है तो उसके लिए जितनी चीजें सब्जी वब्जी काट के रखें पहले से ना काट के रखोगे ना या फिर कढ़ाई में डालने के बाद बोला गया शिमला मिर्च कौन काटेगा है, है कि नहीं राइट सो वॉट यू हैव योर डीएनए एन यहां पे तो उसका रॉ मटेरियल क्या है न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स का बनेंगे जीवन फेज में ताकि यहां पे डीएनए रेप्लीकेशन आराम से हो सके हिस्टोन डुप्लीकेशन हिस्टोन क्या है व्हाट एक्जैक्टली इज हिस्टोन हिस्टोन आर प्रोटीन इन प्लांट्स मतलब हायर ऑर्गेनिज्म कैरियो में डीएनए का पैकेजिंग मटीरियल है डीएनए पैकेजिंग मटीरियल इन यू कैरियोट्स ठीक है इसके बारे में थोड़ी और डिटेल यू विल गेट टू नो व्हेन आप ट्वेल्थ में जाओगे एंड यू विल स्टडी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाइस नाउ नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फेज 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 दिस इज अ जहां पे अगर बाय चांस कोई गड़बड़ रह गई है ठीक है कुछ गड़बड़ अगर हमारे पास रह गई है देयर समथिंग लेफ्ट ओवर हो सकता है कि ज्यादा एनर्जी भाई यहां पे कंज्यूम कर लियो ये इतना ज्यादा टाइम मतलब एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है कि यहां पे अगर कोई भी हमने एटीपी बनाया था एनर्जी बनाई थी वो सारी एनर्जी यूज हो रही है साथ के साथ अब कितनी एनर्जी बना लोगे इट इज बीइंग यूज्ड सेल तो जिंदा है ना तो जब तक जिंदा है सेल सेल तब तक डिवाइड एनर्जी यूज करता रहेगा तो एटीपी सिंथेसिस व्हिच वाज टेकिंग प्लेस इन जीवन फेज वॉज ऑल्सो कंज्यूम्ड ड्यूरिंग जी टू फेज ये एस फेज काफी एनर्जी कंजम्पशन भी हुआ है सो so, इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी बैकग्राउंड में हमेशा बनती रहेगी लेकिन नाउ द सेल रियलाइजेस कि कुछ थोड़ा बहुत यू you नो know, बनाने की जरूरत है अभी भी वी हैव स्टिल सम थिंग्स टू बी डन लास्ट मोमेंट प्रेपरेशन और कुछ नहीं तो चेक ही कर लो ठीक है तो लास्ट मोमेंट प्रेपरेशन इज द लास्ट फेज एंड दैट इज नोन एज गैप टू फेज गैप टू फेज यहां पे दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा उनका ध्यान देना पॉइंट नंबर वन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डुप्लिकेशन माइटोकॉन्ड्र क्लोरोप्लास्ट ये दोनों के दोनों मेरे पास जो ऑर्गेनली है इनको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली का मतलब हुआ कि इनके पास अपना प्रोटीन मशीनरी जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल है तो ये काफी हद तक अपना ध्यान खुद रख सकते हैं दे कैन टेक केयर ऑफ देस टून पॉइंट क्यों क्योंकि इतने सालों से ये न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट है ना सदियां हो गई इट्स मिलियंस ऑफ इयर्स सिंस वी आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स सिंस वी आर डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस एज अ अरियोटिक सेल तो माइट्रोकॉन्ड्र क्लोरोप्लास्ट को न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंस थोड़ा आ गया है तो थोड़ा ध्यान ये अपना खुद रखते हैं थोड़ा इनका ध्यान न्यूक्लियस रखता है तभी सेमी सेमी मींस हाफ ऑटोनोमस सेल्फ केयरिंग हाफ सेल्फ केयरिंग क्योंकि आदत हो गई है अब ठीक है इतने टाइम से न्यूक्लियस के साथ रहते रहते डुप्लीकेशन so, यहां है गोल्जी का डुप्लीकेशन यहां है गोल्जी बॉडी डुप्लीकेशन इज हियर ठीक है थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आप एम फेज में एंट्री मारोगे ना बेटा कि मैं किस फेज की बात कर रही हूँ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटर फेज स्टार्टिंग फ्रॉम योर टिल योर इन In इंटरफेस जैसे ही खत्म होने वाला होगा आपके पास आएगा एम फेस एंड वेन यू आर एंटरिंग एम फेस आगे जाके आपको एक स्पेशल प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होगा नोन एज ट्यूबुल प्रोटीन ठीक है कौन सा प्रोटीन ट्यूबुल ट्यूबुल प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर क्या बनाना है स्पिंडल बनाना है हमको स्पिंडल क्या है धागे हैं बड़े बड़े लंबे लंबे धागे छोड़ेंगे हम ताकि क्रोमोसोम्स को पकड़ के खींच खाच के ला सके ठीक है तो वो धागे बनाने के लिए मुझे एक स्पेशल प्रोटीन चाहिए क्योंकि जस्ट उसके आगे एम फेज में उसकी रिक्वायरमेंट मुझे पड़ने वाली है ठीक है अब आप ध्यान से देखो यहाँ जेनरल प्रोटीन का सिंथिस हो रहा है प्रोटीन बन रहा है यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है तो एक तरीके से पूरे ट्यूबुलेस में पूरा टाइम कोई ना कोई प्रोटीन बन रहा होता है या आर का सिंथेसिस हो रहा होता है प्रोटीन सीधा नहीं बन सकता बेटा जैसे मैंने आपको बोला डीएनए डिक्टेट्स डीएनए डिक्टेट्स डीएनए ने बोला आरएनए एन उसकी सुनता है आरएनए से प्रोटीन बनता है नाउ द प्रोटीन दैट आई एम गेटिंग ऑब्वियसली दैट प्रोटीन इज ऑफ बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ आरएनए बाय रीडिंग आरएनए दैट मींस आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस पूरा टाइम थ्रू आउट इंटरफेस होता रहेगा अगर आपसे कोई पूछ ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस डीएनए आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस जीवन एस, जी टू, ऑल ऑफ द अबव आंसर इज ऑल ऑफ द अबव अगर आपसे कोई पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज स्पेसिफिक फॉर आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस G1 S G2 प्रोफेज देन इट इज G1 फेज अगर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है तो आंसर ऑल ऑफ द नहीं है तो जीवन फेज होगा बिकॉज इट इज सबसे ज्यादा अगर RNA और प्रोटीन सिंथेसिस हुआ होगा तो वो जीवन फेज में हुआ होगा ठीक है अगला सवाल ये आता है, कि जब आप जीवन फेज के अंदर हो और रेप्लीकेशन हो रहा है कैसे पता चले अगले फेज में शिफ्ट करना हाउ डू आई नो नाकाबंदी सुनिए ना गुंडे भाग रहे बैरिकेड्स लगाए हैं पुलिस वालों ने जस्ट टू अ चेक कि कौन इस पॉइंट को क्रॉस कर सकता है सारे पेपर वेपर चेक होंगे आपके आप क्रॉस करना चाह रहे हो या आप कोई सिटी क्रॉस करते हो या स्टेट क्रॉस करते हो आपके पेपर चेक हो रहे हैं पोल्यूशन है कि नहीं है गाड़ी में आरसी की कॉपी है किसी और की गाड़ी तो नहीं लेके भागे हो चोर तो नहीं हो तुम पेपर चेक हो रहे दिस इज द चेक पॉइंट ये है हमारा मेजर चेक पॉइंट मेजर चेक पॉइंट बिकॉज नाउ आई नीड टू नो आई नीड टू नो कि सारा काम ठीक ठाक कर लिया है तो भाई मैं डीएनए डीएनएप्लीकेशन करने जा रहा हूं एंड एवरी थिंग टू बी डन प्रायरली समझ रहे हो बात इस फेज में एंट्री लेने से पहले पहले आई नीड टू चेक की एवरीथिंग इज प्रॉपरली डुप्लीकेटेड एंड प्रॉपरली करेक्टली डन ठीक है यहां तक मेजर चेक पॉइंट कौन सा है जीवन एस जीवन टू एस ट्रांजिशन वाला चेक पॉइंट ठीक डीएनए का एप्लीकेशन कराया बहुत अच्छे से रेप्लीकेशन हुआ ठीक है सारा कुछ काम कंप्लीट हुआ हम पहुंच गए जी टू फेज में जी टू फेज में पहुंचते यहां इससे पहले कि मैं एम फेज में ट्रांजिशन मारू ठीक है इससे पहले कि आई मूव इन टू दी एम फेज आई अगेन नीड टू चेक कि सब कुछ ठीक से हुआ कि नहीं हुआ हम थे एस फेज में एस फेज में एस फेज बोला हाँ हाँ सब कुछ कर दिया सब ठीक है सब ठीक है, है। एकदम बड़े अरे एकदम धासू कॉपी मारा मैंने बाद में पता चला वो तुम्हारा प्रैक्टिकल फाइल जैसा कॉपी कर दिया उसने जहां उसको समझ नहीं आया कि ए है कि टी है कि जी है कि G, उसने बोला ड्रॉ कर दे ठीक है भाई ड्रॉ कर दिया दिमाग ही लगा रहा है आंख बंद करके कॉपी कर दिया गड़बड़ कर दी पता चला बड़े बड़े सेगमेंट डीएनए के खा गया कॉपी नहीं बोला नहीं समझ में आया छोड़ ये वाला पैराग्राफ हटाई देते हैं पूरा आधे घंटे में सबमिट करना है छोड़ पैराग्राफ ही उड़ा दे पूरा सीधा आखिरी में आ जा रिजल्ट लिख देते हैं खत्म करते कहानी तो ये वाला काम कर दिया गोन रॉन्ग इन दू फेस, some mutation, some changes, gone, gone एस फेस। बना रहे मैं ही मिला तेरे को उस पूरे दिन में और कोई नहीं मिला भाई तेरे को आगे जाने दिया तू जहरीला सेल बन जाएगा आई डोट नो वट काइंडला गए और तुम पागलों से डिवाइड करने लगे सन की जैसा कैंसिल करोगे तो मैं क्या करूं तुम्हारा जेनेटिक मटीरियल लेके आ गए वो भी टेढ़ा मेढ़ा तो वेन इट इज गोइंग टू ट्रांसिट फ्रॉम एम टू सॉ टू जीवन एंड जीवन टू एम जीवन से एम फेज में जाने से पहले यहां पर चेक होगा यहां पे होगा एक चेक विच इज नोन एज माइनर चेक पॉइंट माइनर चेक पॉइंट विच इजी टू टू एम फेज बिफोर यू एंटर द एम फेज आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि एटलीस्ट जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक का सारा काम कंप्लीट है ऑर्गेनली कुछ कम पड़ गए बढ़ा लो जी टू फेज में प्रोटीन थोड़ा कम पड़ गया सिंथेसाइज करा लो ATP थोड़ा कम है बनवा लो आर कम है बनवा लो कुछ भी जो कम है अभी कंप्लीट कर लो प्लीज इसके बाद प्रॉपर हमारे पास टाइम नहीं मिलेगा जी टू फेज इज लाइक द लास्ट क्रैश कोर्स ठीक है जी वन फेज इज द इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ ठीक है ये बोर्ड के बाद थोड़ा बहुत प्रिपरेशन ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात है और ये लास्ट मोमेंट एक दिन पहले दस दिन पहले रिविजन वाली बात है। टेस्ट है G2 फेस। कुछ बचा है कंप्लीट करने को तो प्लीज कर लिया जाए कुछ याद करने को पड़ा है तो कर लो दिस इज द लास्ट पॉइंट वे यू हैव टू डू इट अदरवाइज माइनर चेक पॉइंट पेपर जाने से पहले कुछ पढ़ा ही नहीं तो क्यों जा रहे हो भाई पेपर देने कोरोना वैसे भीड़ नहीं मचाना कहीं पे भी so this is the last point where you have to decide if everything is going fine move to m phase m phase if it is not going fine just exit out and die exit out and die because you're not a nice cell you're not a correct cell if you're not a correct cell i don't know tum you problem create karoge it is better you die ठीक है तो सेल यहाँ आता है इसमें चेक होता है चेक होता है चेक होता है यहां इफ जीवन वन जी टू एम इज नॉट सैटिस्फाइड दिस चेक पॉइंट अगर ये कुछ गड़बड़ ढूंढ लेता है जेनेटिक मटेरियल का या कुछ भी ऐसा गड़बड़ हुआ है कि ऑर्गेनली में प्रॉब्लम है या सेल में कोई प्रॉब्लम है या समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इट इज जस्ट गोइंग टू टेक द सेल एंड किल द सेल योर ठीक है अब आती है बात एम फेज की इज इंटरफेज क्लियर इज इंटरफेस क्लियर जीवन एस जी टू क्लियर कॉमेंट सेक्शन फटाफट और उसके साथ साथ मुझे ये भी बता दो कि लिख लिया है तो फिर मैं चलू आगे थोड़ा हम्म लिख लिया चलो बढ़िया नाउ एम फेस द मोस्ट ड्रोमैटिक फेज आप ड्रामा करने से पहले थोड़ा सा और सोच लेते हैं थोड़ा सा चीजों के बारे में और बात करते हैं इसमें एक मिनट को चेक कर कुछ रहा तो नहीं जीवन एस जी टू माइनर मेजर बढ़िया ना सो ठीक है एम फेज की बात करते हैं फिर आगे चल ठीक है मेरा सेल अभी डिवाइड कर रहा है ना इट वांट्स टू डिवाइड जिंदगी उसकी बढ़िया चल रही चंगी एकदम तो इट वांट्स टू डिवाइड

नहीं, नहीं, चाबी रहेगी घर पे नहीं होगा ठीक है सो यू मूव एवरीथिंग इज परफेक्ट बड़े धारसू तरीके से सबने अपना काम किया जीवन फेज हुआ एस फेज हुआ जी टू फेज हुआ इन टू टू फेजेस एम फेज को हमने डिवाइड किया है दो हिस्सों में एक कहलाता है karyokinases. Karyokinases. karyokinesis and cytokinesis karyo means nucleus karyokinesis means division of the nucleus karyokinesis is movement or division of of nucleus

ठीक है एक के बाद चीज दूसरे में ट्रांजिट हो जाती है एक से दूसरे में दूसरे से तीसरे में तीसरे से चौथे में इट जस्ट मूव एंड इन पार्ट ठीक है एक प्रोसेस है अब हमने उसको अपने समझने के लिए चार पार्ट में डिवाइड कर दिया एंड द फोर फेजेस इन केज दैट यू फाइंड आर प्रोफेज प्रोफेज फर्स्ट फेज मेटाफेज मिडिल फेज मेटाफेज अगेन आई एम टेलिंग यू दिस दिसको हमने अपने कन्वीनियंस के लिए पढ़ने के लिए चार में डिवाइड किया तो एक तरीके से सोच के देखो इट्स काइंड ऑफ रिलेस रील रेस क्या होता है वो भाग के जाता है आदमी दूसरे वाले को डंडी पकड़ाता है और फिर वो भागता है फिर वो आगे जाके दूसरे वाले को कोई भी एक अगर स्लो है तो पूरा टीम स्लो हो जाएगा ना अब ये देखो प्रोफेस के बाद आता है मेटा ठीक है तो लेट प्रोफेस लेट प्रोफेस प्रोफेज का एंड एक तरीके से मेटाफेज का स्टार्टिंग है अर्ली मेटाफेज है लेट मेटाफेज इज स्टार्ट ऑफ एनाफेज लेट एनाफेज इज अर्ली टीलोफेज है ना इसका एंड अगले की शुरुआत है तो लेट प्रोफेज इज नथिंग बट ट्रांजिटिंग टू अर्ली मेटाफेज सो ये चारों अगेन यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर सो ऑर्डर विल बी पी मैट प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज पी मैट से याद रखो ठीक है कैरियोकाइनेसिस हुआ न्यूक्लियस आपका इस फॉर्म में डिवाइड होता है इस प्रोसेस से डिवाइड होता है जिसको हम माइटोसिस और मियोसिस में पढ़ेंगे इन डिटेल्स Then the cell divides into two by cytokinesis. Cyto means cell. Cytoplasm ka division. So, cytoplasm division is cytokinesis. Cytokinesis division of cytoplasm.

साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेंगे ना थोड़ा तो वो g1 फेज में खुद ब खुद एंट्री मार देता है ठीक है सेल अभी डिवाइड करना चाहता है g1 फेज पूरा लेके जाएगा फिर एस फेज में जाएगा फिर जी g2 में जाएगा फिर कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस अगेन सो दिस साइकिल कीप्स ऑन गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड टिल द सेल डिसाइड्स टू डू समथिंग एल्स इन इट्स लाइफ दिस इज सेल साइकिल दिस इज सेल साइकिल बट इमेजिन द सेल डिसाइड आई डोट वॉन्ट टू डिवाइड जो करना है कर लो बहुत हो गया तुम्हारा इतने सेल हो रहे क्या बनना चाहते हो ठीक है आई डोंट वॉन्ट टू डिड आई वॉन्ट टू डू सम एल्स इन माई लाइफ तो समथिंग एल्स इन योर लाइफ इज इलाग इट एंड बिकम समथिंग एल्स आई द डिवाइड और बिकम समी पेपर ही देते रहोगे पढ़ाई करते रहोगे पैसा कमाना शुरू करना है डिवाइड करना बंद करो और स्टार्ट बिकमिंग समथिंग एल्स तो उसमें साइज तो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ना सेल का ठीक है छोटा सेल साइज है इसको हम ले आते हैं जीवन के अंदर हम ले आते हैं जीवन के अंदर ठीक है और जीवन के अंदर जब उसका थोड़ा साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है थोड़े ऑर्गेनली वगैरह बन जाते हैं बड़ा बढ़िया एकदम तंदुरुस्त सेल हो जाता है हमारा फिर हम उसे बोलते हैं आप जल्दी डिसाइड कर आप तुरंत से पहले डिसाइड कर कि आगे जाना है तू डिवीजन में करनी है तूने मास्टर्स करनी है तूने पीएचडी या तुझे नौकरी लगना है वांट टू स्टडी अहेड यू वांट टू डू अ जॉब और गेट अ जॉब ठीक है तब तक दिस इज द ट्रांज़िशन टाइम कॉलेज में हो थोड़ा इधर ठीक है चल रहा है चल रहा है ठीक है थोड़ा हाँ मैं चोर यहां से एग्जिट मारोगे what color we are out of colors when यहां से सेल एग्जिट मार जाता है इनटू g नॉट फेस अब ये फेस लगातार तीन साल 18 19 20 2018 2019 2020 लगातार तीन साल आया सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के साथ अभी आपने मेरे मुंह से एक शब्द सुना एग्जिट कर जाता है सेल फैक्टर क्योंकि एनसीईआरटी में ये शब्द लिखा है ठीक है तुम्हारी मैडम भी इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ चुकी है जिंदगी में इतनी बार हो चुका है ये चीज कि दैट इट इज जस्ट ग्रोज आउट इन द लैंग्वेज है कि नहीं तो इसको देखो जी नॉट फेस नाउ जी नॉट फेस इज समथिंग उट साइड द सेल साइकिल हुआ है ये सेल ये साइकिल के बाहर है चीज सेल साइकिल में आया इंटरफेस और एम फेस इंटरफेस जीवन और मियोटिक दोनों में दो फेज होंगे ही न्यूक्लियस का डिविजन साइकोप्लाजम का डिविजन बट इफ आई डोंट वॉन्ट टू डिड वॉट विल आई डू इन लाइफ आई विल जस्ट लीव द सेल साइकिल छोड़ो बाहर चलो जी नॉट फेज में विच इज ऑल्सो नोन एज जी नॉट फेज को मैं दूसरे पेज पर पे लिख लू नेक्स्ट पेज पे लिख दू बेटा दूसरे पेज पे लिख दू रेडी हाँ जैसे ही आप जीवन फेज में आए हो आपने थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इंक्रीज किया यू हैव मेच्योर्ड अ लिटिल बिट यू हैव इंक्रीज ऑर्गेनलीज थोड़ा बहुत प्रोटीन आरएनए सिंथेसिस आपने कराया आप इधर मूव करे 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 एंड देन डिसाइड डू आई मूव आउट और आई डोंट ठीक है तो आप जीवन फेस के अंदर से निकल के और आपने बोला कि नहीं भाई डोंट वॉन्ट टू डिवाइड लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ दिस विश साइकिल ऑफ डिविजन लेट्स जस्ट मूव आउट नहीं करना डिवाइड कुछ काम दे दो ठीक है जी नॉन्ट फेस अकॉर्डिंग टू एन सी आर टी द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड डू नॉट डिवाइड एन सी आर टी में एक वर्ड दिया हुआ है पॉलिफरेट प्रॉलीफरेट मींस डिविजन इट ड नॉट डिवाइड सो सिंस इट इज नॉट डिवाइडिंग कर क्या रहे ये मर गया क्या इट इज नॉट मेटाबोलिकली इनएक्टिव इट इज अ लिविंग सेल इट इज मेटाबोलिकली एक्टिव एक ही बात हो गई नॉट मेटाबोलिकली इन एक्टिव लिखा हो सकता है या मेटाबॉलिकली एक्टिव लिखा हो सकता है डिवाइड नहीं कर रहा है मेटाबोलिकली एक्टिव है जिंदा सेल है कुछ काम कर रहा है कुछ काम अब आपका हार्ट सेल कार्डिक सेल्स नॉट डिवाइडिंग, उनको सेल्स हो सेल्स हाँ, हो तुम अपना काम करो काम कर ज़िंदगी भर काम करेंगे अपना. Cells, neurons, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई न्यूरोन दो में डिवाइड हो जाए और एक और न्यूरोन बना दे दैट विल नॉट ठीक है ऐसा नहीं होगा सो so, सेल्स

डिवीजन के रिस्पेक्ट में मैं इसको बोल सकती हूं क्या मेटाबॉलिकली स्टेज बट नहीं ये जिंदा सेल है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं बोला है जस्ट इन एक्टिव बोला है क्योंकि मैं सेल चैप्टर में पढ़ रही हूँ सेल साइकिल चैप्टर में पढ़ रही हूँ और सेल साइकिल का मेन फंडा सेल को डिवाइड करना है और ये वो नहीं कर रहा है ये अपना कोई काम कर रहा है तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे काम की चीज नहीं है यहाँ पे सेल थोड़ा इनएक्टिव है विद रिस्पेक्ट टू सिंपल ठीक है नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कि ये जो जी नॉट फेज है जब मैं जीवन फेज से निकली हूं इट इज इन दीवन फेज दैट आई डिसाइड कि क्या करना है आगे जाना डिवाइड करना है या निकल लेना है यहां पे जो जी नॉट फेज मेरे पास आया क्या ये हमेशा हमेशा के लिए सेल बाहर निकल गया या कभी वापस भी आ सकता है तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं सस्पेंड और एग्जिट द सेल साइकिल आई हैव सस्पेंडेड और एग्जिटेड द सेल साइकिल डिफरेंस क्या है एग्जिट का मतलब मैं पूरा सब कुछ तामझाम छोड़ के सारा बोरिया बिस्तर वहीं छोड़ा एंड नाउ टाटा बाय बाय Do whatever you want. I am gone. Take care of yourself. It was nice knowing you. Thank you. I will never come back. Like number ka bakwas insan. Tata bye bye. Pull on close. The chapter is closed. I will never return. To dividing. I will die. But I will not return back. Okay. ho gaya tumhara. So that is known as exit. आई डोंट वॉन्ट टू कम बैक Exit. कभी भी सेल वापस नहीं आएगा सेल मरना पसंद करेगा लेकिन वापस नहीं आएगा ठीक है सस्पेंड इज कि चलो थोड़े टाइम के लिए चलते हैं कुछ काम कर लेते हैं बट अगर लगा तो आ जाएंगे सेल डिवाइड करने ये चीज आपको प्लांट सेल में बहुत मिलती है इन पैरेंट गाइमा आर गोइंग टू फाइंड दिस वेरी मच पैरेंट गाइमा अगर बाई चांस प्लांट को जरूरत पड़ी ठीक है तो प्लांट क्या करता है अपने नॉर्मल सेल जो काम कर रहे थे अच्छा खासा उनको बोला यार आजा प्लीज डिवाइड डिवाइड करने की जरूरत है 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 सेल चाहिए नहीं। तो अपना काम छोड़ता है, होता है और, दिया और वापस यू मार लेगा। गया था में। दो चार साल वहां गुजारे ठीक है लेकिन बैक टू सेल साइकिल रिक्वायर्ड ठीक है आप गए थे मस्त ऑस्ट्रेलिया चार साल काम किए पाँच साल काम किए बट फिर उसके बाद लगा कि नहीं यार घर चलता वापस तो यू टर्न चल साइकिल ठीक है बट इफ यू डिसाइड आई एम नॉट नेवर एवर कमिंग बैक बाय बाय हो गया टाटा तुम गए मार्स पे अब नहीं आ रहे अपने वापस वहीं रहेंगे नया सिविलाइजेशन शुरू करेंगे मस्क अंकल के साथ ठीक है मस्क और मैं पड़ोसी पड़ोसी आ रहे हाय बाय

नए सेल्स बन के लगते हैं जो बन चुका है वो डिवाइड नहीं करेगा कभी भी अ न्यूरोन इज नेवर गोइंग टू डिवाइड जस्ट जस्टर न्यूरॉन्स नेवर नेवर गोइंग टू हैपन इट विल डाई बट इट विल नेवर फॉर्म अ न्यू नर्व सेल ठीक है ठीक है बच्चा यहां तक क्लियर सो दिस इज द कहानी ऑफ जी नॉट फेज जी नॉट फेज में एक साल क्वेश्चन आया सस्पेंड की एग्जिट है आंसर आया था सस्पेंड जबकि एनसीआरटी में दिया हुआ है साफ साफ एग्जिट द सेल साइकिल सस्पेंड इसलिए मे बी बिकॉज ज्यादातर सेल सस्पेंड ही करते हैं सेल साइकिल कंप्लीटली एग्जिट कोई नहीं बहुत कम सेल्स करते हैं जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया नर्व सेल कार्डिक सेल ठीक है मसल सेल्स दे यूजअली कंप्लीटली एग्जिट द सेल साइकिल ठीक है, वो कभी भी डिवाइड नहीं करते दो में बनेंगे तो बने exactly अगर हम प्लांट सेल्स काफी सारे सेल्स जो बाहर चले गए थे अपना काम कर रहे थे मेच्योर थे डिफ्रेंशिएटेड uh, थे माइट कम बैक टू फॉर्मिंग द सेल्स अगेन क्या हो गया भाई किसका दिमाग खराब हो गया अच्छा फिर दूसरी बात मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं ये इनएक्टिव स्टेज हम सिर्फ इस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि ये डिवाइड नहीं कर रहा क्वेश्चन स्टेज और क्वेश्चन फेज बिकॉज़ जी नॉट फेज इज अ फेज वेयर द सेल अपीयर्स टू बी डूइंग नथिंग विद रिस्पेक्ट टू सेल डिवीजन विद रिस्पेक्ट टू सेल डिवीजन काम कर रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है क्योंकि वो एक ही सेल है तब से बेचारा एक ही सेल में ठहरा हुआ है तब से राइट राइट एनसीआर जी नॉट होता रही हूं किसी प्रीवियस को सोल्व करते टाइम इसमें फसो तो यू नो दलो बढ़िया मूविंग ए हेड हम एक छोटी सी बात सुनो तुम मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं पिछले चार साल से तुम लोगों को पढ़ने को बोल रही हूं खुद से बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू राइट राइटर एंड राइट नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉइडी ठीक है सेल को बेटा इंजरी हो गई जैसे मान लो आपको चोट लग गई है ना आप मस्त कर रहे थे गोर्डन रामजी अंकल की तरह गई उंगली इज नॉट गोइंग टू ग्रो बैक पूरी उंगली नहीं आएगी लेकिन हील हो जाएगा सेल है ना वूड आपके हील हो जाते ज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड मल्टीपल स्टेप प्रोसेस जिसमें हाँ आसपास के स्किन सेल्स वेन रिक्वायर्ड मे डिवाइड ठीक है लेकिन वो सिर्फ जितना रिक्वायड है फिर थम जाते है. ऐसा नहीं हो रहा ना कि वहां ट्यूमर बन गया वेन द सेल लूज इज द कैपेसिटी टू नो कि भाई रुकना है अपने को आई हैव टू स्टॉप डिवाइडिंग इट्स इनफ दिस इज इनफ आई वॉन्ट टू स्टॉप डिवाइडिंग ये नहीं पता जब तब वो ट्यूमर बनता है एंड अगर वो फैल जा रहा है पूरी बॉडी में या फिर वो अपने ही नर्व एंडिंग वगैरह बनाने लग गया कुछ अपनी ही जिंदगी कैंसर ठीक है द सेल हैज टू बी वेरी वेल अवेयर कि भाई हो गया बस अब दिस इज जी नॉट दिस इज एंड एंड आई नीड टू स्टॉप डिवाइड जगह नहीं है अब दस सेल की जगह थी दस सेल बने बस रुक जाओ ठीक है ये कब होता है जब आपके सेल का कॉन्टैक्ट इनोबिशन खत्म हो जाता है कॉन्टैक्ट इनबिशन क्या है सेल तो सदा ठीक है फूला 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 साइड वाले सेल को छू गया इट टचिस द सेल नेक्स्ट टू इट एंड रियलाइजेस बस इतना ही जाना था इतना ही फैलना था अपने को सो दिस इज मैक्सिमम आई कैन ग्रो ठीक है दिस इज कॉन्टैक्ट इनोबिशन जैसे ही साइड वाले सेल से कॉन्टैक्ट हुआ इट स्टॉप्स ग्रोइंग इनोबिट्स ग्रोथ्स ठीक है आपके सेल को पता है मेरा इतना ही जगह थी मेरे पास इतनी जगह थी आई so cool. है खराब हो गए में सेल एवल हेट न बड़ा हो जाएगा इतना बड़ा सेल हो गया अगर तो आई है कैसे ध्यान रखेंगे इसका तो इतना बड़ा सेल हो गया फिर दो में डिवाइड कर जाता है फिर दो में डिवाइड हो जाता है जहां एक सेल की थी, वह दस सेल बैठे। उनको पता ही नहीं है ना कुछ लोग आप भीड़ भेड़ होंगे एक होता है कि हाँ चलो सामने वाले से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के खड़े एक है घुसी जाते हैं भाई क्या जा, जाएगा so,

क्रिकेट खेलने के लिए और इवन खेलने के लिए नोटबुक या बुक का इस्तेमाल हुआ है फिफ्टी सिक्स सेवन एट तो अगर क्रिकेट खेल रहे थे एन से तो सुन लेना अभी मेरी बात ठीक है ओके ऑफ लॉइडी लिखा गया मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉइडी समझने के लिए पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं अपनी ठीक वो ए स्टार्टिंग विद जेनेटिक मटीरियल दिस इज समथिंग दैट इज नॉट गिवन इन एन दिस इज नॉट गिवन इन अलॉड ऑफ प्लेसेस बट ये इंपॉर्टेंट है चीज़ों को समझने के लिए क्लैरिटी के लिए एन सी आर टी में आप बार बार देखोगे टू एन सी एन सी एन सी की बात करता है लेकिन समझाता नहीं है आपको एन और सी है क्या तो ये वो चीज़ है ठीक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोइडी समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि आपके पास डीएन ये आपका न्यूक्लियस ठीक है न्यूक्लियस के अंदर आपका होता है जेनेटिक मटेरियल बेटा ियस न्यूक्लियस nucleus. Nucleus के अंदर आपके पास है जेनेटिक मटीरियल इसको मैं बाहर देखूं तो क्या है ये डीएनए मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ लिपटा हुआ फॉर्मिंग अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमैटिन क्रोमैटिन टिन इज यूजली वर्ड यूज फॉर थ्रेड टीन या टीन ठीक है क्रोमैटिन अ कलर्ड थ्रेड क्योंकि ये बड़े आराम से स्टेन हो जाते हैं ठीक है डीएनए का नेचर इज एसिडिक न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं तभी हम उसको द जेनेटिक मटीरियल इज न्यूक्लिक एसिड टेक्स बेसिक डाइज बेसिक डाइज कौन से होते हैं फ्यूजन स्टेन है एसिटोकार्मीन है बेसिक डाइज से स्टेन कर दिया जाते हैं आराम से कलर ले, ले लेते हैं और कलर धागे जैसे दिखाई देते हैं इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रोमैटिन क्रोमैटिन किस चीज का बना हुआ है इट कंटेन्स डीएनए प्रोटीन प्रोटीन कौन सा ज्यादातर हिस्टोन प्रोटीन पीछे पड़ा आपने अभी हिस्टोन प्रोटीन पैकेजिंग में काम आ रहा है अब इसको मैं बहुत टाइट से पैक कर दू हिस्टोन की मदद से नहीं कोई और प्रोटीन लगा के मैंने एकदम पैक कर दिया तो ये हो जाएगा कुछ इस शेप में दिस इज नोन एज क्रोमोजोम क्रोमो मीन कलर्ड जोम इज यूजली वर्ड यूज फॉर बॉडी कलर्ड बॉडी धागा नहीं लग रहा है एक स्ट्रक्चर बन गया है उसका राइट इन दिस स्ट्रक्चर आप देखोगे एक जगह बीच में पिचका है एक जगह थोड़ा सा ज्यादा कॉन्स्ट्रक्शन है दिस इज नोन एज सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर इज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन गड्ढा ज्यादा टाइट बहुत कस के पैक कर दिया जैसे आप बहुत सारी थैलियां पकड़ते हो और उसको फिर रबर बैंड से धागे से बांध देते हो तो बीच में बहुत ज्यादा टाइट है ना गड्ढा बन गया द टिप्स आर नोन एज द टीलोमियर ये भी टीलोमियर है ये एंड भी टीलोमियर है ये बीच वाली कंस्ट्रक्शन बनने की वजह से पूरे को मैंने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया होल क्रोमोजोम इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट द अपर पार्ट एन द लोअर पार्ट और आप ऊपर वाले पार्ट को देखो तो छोटा दिख रहा है नीचे वाला बड़ा दिख रहा है दिस इज द शॉर्टर पार्ट है ना इसे हम कहते हैं शॉर्ट आर्म शॉर्ट और स्मॉल के लिए हम साइंस में एक वर्ड यूज करते हैं पिटिट पिथिट पिटिट स्मॉल ठीक है petite. Petite, तो पिटीट की वजह से पी इसके लिए डिनोट करने के लिए अल्फाबेट ले लिया हमने पिटीड आम स्मॉल आर्म पी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा ठीक नीचे वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज द लॉन्ग आम लॉन्ग आर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्यू अल्फाबेट यूज करेंगे क्योंकि पी के बाद क्यू आता है क्योंकि पी के बाद क्यू आता है ठीक है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजो नाउ ये सेंट्रोमियर के दोनों तरफ बड़े प्यार से हम लगाते हैं प्रोटीन सेंट्रोमियर गड्ढा था गड्ढे के दोनों तरफ हमने लगाया प्रोटीन की डिस्क प्रोटीन मस्त अच्छा सा डिस्क इधर और इधर ठीक है दिस प्रोटीनेशियस डिस्क ऑन बोथ द साइड ऑफ द सेंट्रोमियर इज नोन एज काइनेटोकोर तो ये है आपके एक एक टिपिकल क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर दिस इज अ टिपिकल क्रोमोजोम इस क्रोमोजोम को हम एक क्रोमैटेड भी बोलते हैं दिस इज अ क्रोमोजोम विद वन क्रोमैटेड ठीक है एस फेज के बाद डीएनए रेप्लिकेशन के बाद या इसको भी छोड़ो यहां तक क्लियर हुआ

राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये जो मेरे पास क्रोमोजोम का प्रेजेंस है अभी आकांक्षा मैम का क्लास तो नहीं है है क्या नहीं है ना आकांक्षा मैम की क्लास है दिख तो नहीं है मुझे यूट्यूब पे है तो फिर मैं next class में पढ़ाऊंगी कंप्लीट होगा बेटा ये नहीं है ना आ, मुझे दस पंद्रह मिनट दे दो टेन फिफ्टीन एट मैक्स देखो ये जो मेरे पास क्रोमोसोम बना ठीक है दिस इज अ टिपिकल क्रोमोसोम दिस इज हाउ शुड हाउ क्रोमोसोम शुड लुक ठीक पापा से आपके पास एक गेमीट आया मम्मी से एक गेमीट आया ठीक है फादर्स गेमीट एंड मदर्स गेमीट दिस इज मेल गेमीट दिस इज फीमेल गेमीट ठीक है दोनों फ्यूज कर जाते हैं तो आपके पास बनता है जाइगोट, राइट right? ये कहानी तो पुरानी है ये तो हम जानते हैं कितने टाइम से ठीक अंदर झांकोगे ना सेल के अंदर फिर उसके न्यूक्लियस के अंदर तो आपको एक क्रोमोजोम की एक कॉपी मिलेगी एक क्रोमोजोम की एक कॉपी मिलेगी दिस इज लाइक पापा से आपने जूते गिफ्ट करे मांगे बर्थडे पे मम्मी से गिफ्ट मांगा मेरे को जूते चाहिए ठीक है दोनों एक पैर का जूता लिया लेफ्ट वाला ले बेटा मेरी तरफ से गिफ्ट मम्मी ने वो राइट पैर का जूता मेरी तरफ से गिफ्ट मिला आपको एक ही गिफ्ट है बेवकूफ बना तुम्हारा बहुत गंदा लेफ्ट पैर का जूता पापा ने दे दिया राइट पैर का जूता मम्मी ने दे दिया तो अब आपके पास दोनों पैर के जूते हैं मदर एग्जैक्टली सेम नॉट आइडेंटिकल लेफ्ट पैर का जूता राइट पैर का जूता आइडेंटिकल नहीं है दे वेरी सिमिलर दैट इज वॉट क्रोमोसोम्स आर क्रोमोसोम नंबर वन की एक कॉपी पापा से आई एक मम्मी से आई तो आपके पास दो कॉपी है टू की एक कॉपी मम्मी से आई पापा से आई तो आपके पास टू की दो कॉपी है थ्री की एक कॉपी पापा से एक मम्मी से आई थ्री की दो कॉपी है ठीक है एक लेफ्ट पैर का जूता एक राइट पैर का जूता आपके पास है बिकॉज फ्रॉम फादर यू इनहेरिटेड ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स फ्रॉम मदर यू इनहेरिटेड ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स सो ईच एंड एवरी सेल इन योर बॉडी इज फॉर्म फ्रॉम दिस डाइगोड विच हैड फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स लेकिन फोर्टी सिक्स में ज्यादा ध्यान से देखोगे तो वो ट्वेंटी थ्री हैं। है इमेजिन करो कि पापा से दो क्रोमोजोम आए होते एक येलो कलर का एक वाइट कलर का ठीक है तो आपके पास टोटल चार क्रोमोजोम होंगे दो येलो दो व्हाइट वन फ्रॉम फादर एंड वन कॉपी फ्रॉम मदर दिस इज वॉट इज है ठीक लेकिन क्या पापा मम्मी के सारे सेल्स है क्या पापा मम्मी के पास एक एक ही जूता था वो खुद अपने दो जूते पहन के बैठे तुम्हारे लिए उन्होंने एक जूता भेजा ठीक है इतने दानवीर नहीं बन रहे पापा मम्मी हैज हाँ टू क्रोमोसोम्स इन द होल बॉडी ठीक है बस जब यमीट फॉर्मेशन हुआ उस टाइम पे ऐसा डिवीजन कराया गया जिसको हम मियोसिस कहते हैं ताकि नंबर को हाफ कर दिया जाए हाफ कर दिया जाए मेल गेमीट फीमेल गेमीट नॉट द मेल एंड द फीमेल इट्स देयर इज हैप्लोइड हैप्लॉइड कैसे बोला कि एक टाइप के क्रोमोसोम की एक कॉपी है बेटा दिस इज हैप्लोइड दिस इज हैप्लोइड दिस इज डिप्लोइड 2n n स्टैंड्स फॉर फॉर अब आप लॉजिकली बात सोचो

जस्ट टू टेल यू की कंडीशन क्या है आई एम नॉट गोइंग टू फॉर्म ऑल ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम लेकिन मैं देख सकती हूँ कि व्हाइट की एक ही कॉपी है यार और येलो की भी एक ही कॉपी है सो दैट मीन्स हर क्रोमोजोम के अंदर एक ही कॉपी होगी दैट मीन्स इट इज अपलॉइड सेल आई ओनली हैोमोजोम सच क्रोमोजोम सेल सच इज नोन एज अड सेल ठीक है यहां मैं देख रही हूं और मुझे दिख रहा है कि व्हाइट कलर की दो कॉपी है रेड कलर की दो कॉपी है येलो कलर की दो कॉपी दैट है ईच एंड एवरी क्रोमोजोम डजेंट मैटर व्हाट द नंबर इज दिस इज अ सेल ठीक है एक प्लांट है ऑफियोगलॉसम ऑफियोगलॉसम में 630 थर्टी क्रोमोजोम है उसके हैप्लॉइड सेल में क्या हर बार बैठ के हैप्लॉयड सेल बनाते टाइम 630 थर्टी क्रोमोजोम्स ड्रॉ करोगे पगला दोगे तो एक या दो क्रोमोसोम बनाएंगे उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि अगर ये दो क्रोमोसोम इस कंडीशन में है बॉडी इज समथिंग लाइक दिस और वॉट एवर सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन आप इसको बच्चे क्या गलती करते हैं आई लेट यू नो बच्चे बोलेंगे मैम देखो दो क्रोमोजोम ये तो टू एन होना चाहिए नहीं आपके पास एक शूज है नाइकी के दूसरे स्लीपर्स है डिफरेंट राइट पैर का एक नाइकी का जूता है एक चप्पल है लेफ्ट पैर का एक नाइकी का जूता है एक चप्पल है जब दोनों साथ में आएंगे तो आपके पास दो ही पैर जूते हैं आपके पास चार पैर जूते नहीं है ऐसा नहीं है ना कि आप एक चप्पल पहन के अलग एक दिन जाओगे लंगड़ी टांग करते हुए उठते हुए फिर एक दिन तो आप शूज पहन के एक पैर का निकलोगे यू हैव टू पे ऑफ शूज दैट्स इट अ पेयर ऑफ शूज एंड अ पेयर ऑफ चप्पल ठीक है सो यू जस्ट हैव टू हियर नॉट फोर समझे टू पेज टोटल फोर नंबर नहीं बोला मैंने आपको मैंने आपको कंडीशन बताने को बोली है प्लॉयडी इज द कंडीशन नॉट द नंबर नॉट द क्रोमोजोम नंबर मेरा क्रोमोजोम नंबर एज अ ह्यूमन बीइंग इज 46 सिक्स माई प्लॉइडी इज नॉट 46 सिक्स कंडीशन ऑफ माई सेल इज डिप्लॉइड क्योंकि अगर मैं अंदर घुसू तो मुझे हर क्रोमोजोम की दो कॉपी मिलेंगी That is the condition. So ploidy is the condition. Ploidy is not the number. Understanding my point, बेटा एंड दिख नहीं रही मुझे क्लास इसलिए मैं थोड़ा आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही थी माफी माई मिस्टेक इट्स माई मिस्टेक, मा मिस्टेक. ये लक्ष्मी जी की सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास है बाकी किसी की नहीं है आप देखो अगला पॉइंट एक बार ये समझ में आया इमेजिन दिस इज लेफ्ट पैर का जूता राइट right पैर का जूता लेफ्ट पैर का जूता राइट right पैर का जूता यहां आए लेफ्ट राइट का जूता लेफ्ट राइट right का जूता ठीक दिस इज द प्लॉइडी नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सी सी स्टैंड्स फॉर अमाउंट ऑफ डीएनए सी स्टैंड्स फॉर अमाउंट ऑफ डीएनए नाउ अमाउंट ऑफ डीएनए की बात हो गई क्या देखो जी इस एक जूते में एक फीता लगा है वन लेस आपके एक जूते में एक फीता है है ना इस वाले जूते में भी एक ही फीता था सो डीएनए इज लाइक द लेस दैट यू हैव इन वन सिंगल शू यू हैव वन शू यू हैव वन लेस मेक सेंस हैज टू बी दैट लॉजिकल ठीक है यू हैव टू जूता यू हैव टू लेसेस सॉर्टेड ठीक है अगेन येलो वाले को देखो येलो वाला जो डीएनए है आपके पास एक जूते में एक फीता है एक जूते में एक फीता है कूल है दो जूते तो दो फीते दो जूते तो दो फीते लॉजिकल दिस सी वन जूता वन फीता वन जूता वन फीता टू जूता टू फीता आई एम नॉट गोइंग टू काउंट इट एज फोर फीते चार लेसेस नहीं ना एक तो चप्पल थी मेरे पास आई हैव फोर शू चार शूज है मेरे पास चार अलग अलग पैर चार अलग पैर नहीं चार पैर के नहीं कैसे बोलूँ यू हैव फोर फोर शूज है न टू पैर्स यू है फोर शूज फोर शूज फोर लेसेस सॉटेड सिंपल लेकिन इमेजिन करो अगर मैं एक ही जूते में दो लेस डाल दूँ तो अब हो गया झोल अब हो गया झोल लुक एट लुक एट दिस दिस ऑज वन पैर का जूता विथ वन लेस वन जेनेटिक मटीरियल या डीएनएफ हम्म वन शू वन क्रोमोजोम वन डीएनएफ थ्रेड एन सी बट आफ्टर डीएनएफ एप्लीकेशन इसकी एक्जैक्ट सेम कॉपी बन जाती है आफ्टर एस फेज डीएनए रेप्लीकेशन में हम एग्जैक्ट डिटो कॉपी डीएनए बनाते हैं एग्जैक्ट कॉपी ठीक है बिल्कुल सेम रेप्लिका बना दिया आपके जूते का सेम और एक ही जगह बांधा हुआ है वन क्रोमोजोम विथ टू लेसेस हाउ एम आई काउंटिंग इट एज वन क्रोमोजोम मैम ये क्या किया आपने इसको एक क्रोमोजोम क्यों गिन रहे तो दो हैं बेटा जब तक सेंट्रोमेयर जुड़ा है तब तक ये एक क्रोमोजोम है आप सेंट्रोमियर से देखोगे दिस इज वन क्रोमोजोम विद टू क्रोमैटिक्स विद टू क्रोमैटिक्स मेकिंग इट एन बिकॉज वन जूता विद टू फीते टू लेस टू सी दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग ये हो गई गड़बड़ इसको करना पड़ेगा ठीक दिस इज वेयर वी हैव गोन रॉन्ग दिस इज वेयर थिंग्स आर नॉट इन बैलेंस एक जूते में एक लेस होनी चाहिए एक जूते में दो लेस नहीं होनी चाहिए आई नीड टू फाइंड अन अदर जूता दिस इज गॉन रॉन्ग सो आई नीड टू डिवाइड द सेल आई नीड टू डिवाइड द सेल ठीक है डिवाइड करना पड़ेगा सिंपल फंडा तो एक लेस में दो एक जूते में दो लेस डाल घूमते फिरोगे ठीक अब आप लोग मुझे प्लॉडी बताओगे कॉमेंट सेक्शन में ठीक है आई एम गोइंग टू लुक एट द कॉमेंट सेक्शन गलतियां होंगी कोई नहीं सीखेंगे गलतियां होंगी सीखेंगे कॉमेंट सेक्शन देख रही हूं मैं ठीक है दो मिनट एनसीआरटी में अपने नोट्स में लिखना बंद करना और जस्ट आंसर व्हाट आई एम गोइंग टू ड्रॉ ठीक है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया प्लॉइडी आप सेंट्रोमेयर से गिनोगे एक टाइप का एक है एक टाइप के दो हैं एक टाइप यू हैव टू सी द टाइप एंड अमाउंट ऑफ डीएनए बाय द डीएनए थ्रेड लेट्स गेट स्टार्टेड हा सिंपल से शुरू करते सिंपल से शुरू करते फर्स्ट हाउ मेनी शूज हाउ मेनी लेसेस हाउ मेनी क्रोमोजोम्स हाउ मेनी डीएनए फ्रैगमेंट लुक एट दिस फर्स्ट वाला बोलो जल्दी और प्लॉइडी प्लॉडी दैट इज एन अमाउंट ऑफ डीएनए दैट इज सी आप मुझे दोनों बताओगे हर एक के लिए आप मुझे प्लॉडी और कॉमेंट दोनों बताओगे जल्दी ठीक है होने तो गलती सीखेंगे राइट परफेक्ट एन बिकॉज एक सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर से काउंट करते हैं हम जूते कितने सेंट्रोमियर एंड अ सिंगल सी ठीक सेकेंड पॉइंट अगर मैं इसको ऐसे बना दूं सेकेंड वाला गुड एक्सिलेंट एन सी क्लियर हुआ एन सी परफेक्ट एन सी शाबाश अच्छा जीरो डीएनए <laughs> के बिना ही बना देंगे अंतर्यामी लोग गुड सना वेरी गुड एक्सिलेंट एक्सीलेंट टू एन दो सेंट्रोमियर दो जूते हैं मेरे पास और हर एक में एक ही फीता आया है एक ही लेस आई है टू एंड टू सिक परफेक्ट परफेक्ट नेक्स्ट फ्लॉयडी एन अमाउंट ऑफ डीएनए फ्लॉइडी एन अमाउंट ऑफ डीएनए अब मैं पकड़ूंगी अब मैं पकड़ूंगी एक एक को जो गलत बोलेगा सोनिया गलत दिया आंसर तुमने बेटा ध्यान से देखो जूते कितने फीते कितने जूते कितने फीते कितने सिंपल फंडा है ना एक नंबर बच्चे हो तुम मजा आ गया वाइट टाइप का एक येलो टाइप का एक जूता बट टाइप बता दिया ना उसने कंडीशन बता दी कि सफेद रंग का एक जूता है पीले रंग का एक जूता है मतलब सब कुछ एक एक कॉपी है मेरे पास सो प्लॉइड बच्चों कुछ बच्चे लिखे लिखे टू सी भाई अगर तुम्हारे पास जूता है तो तुम दूसरे इंसान का जूता अपना मान लोगे? मेरे पास जो लेसेस है मेरे लेसेस है ना उसके लेसेज मैं अपने कैसे मान लू दिस इज वाइट इन अ पर्टिक्यूलर कंडीशन विद सिंगल क्रोमैटेड ऑफ क्रोमोजोमी एक क्रोमोजोम विद सिंगल एंड सी क्या दूसरे वाला का भी कंडीशन ऐसा क्या तीसरा होगा होता तो उसका भी कंडीशन यही होता हा प्लॉइडी एन अमाउंट इज टेलिंग यूथ कंडीशन अगेन नॉट द नंबर इट इज टेलिंग यू द कंडीशन नॉट द नंबर understand that fourth fourth how many shoes and how many laces do you see how many shoes how many laces do you see how many shoes one shoe one chromosome because there is one centromere. N. How many laces in each shoe, one? Two. Each chromosome is of two chromatids. That means double the amount of DNA it is carrying. It should not carry that. It's not normal. To solve this, we'll go into mitosis and meiosis. Okay? One more. Ten. Ten options we'll do, huh? Ten we'll do. अब ये देखना हाउ मेनी शूज एंड हाउ मेनी लेसेस वॉट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम सॉरी क्रोमोजोम नंबर एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इज नंबर ऑफ लेसेस ठीक है जल्दी हाँ 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 कौन सा ही बोला रुको वर यार दुर्गेश गुड सर्ज सॉरी सृजनी गुड रॉयल एडी गुड एंटरटेनमेंट गुड यशलक्ष्मी रिम जिम शाबाश बेटा आई हैव टू शूज टू एन वन कॉपी टू कॉपी व्हाइट के ही दो आ गए ना एक ही टाइप के क्रोमोजोम के चार क्रोम आ गए फोर सी टू एंड फोर सी नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स अब देखो तुम्हारे साथ जिंदगी में सिर्फ कलर के खिलवाड़ से क्या हो जाता है दुदिं, दुदिं। Question number 6 How many type of shoes you see And each shoe has how many laces Comments Good Khushi look again Excellent Maximum answers I see correct have nai bacha Look at it again Look at it again Everything is of what type

और इसमें सिर्फ कलर का डिफरेंस है दो दैट सिंपल सेवेंथ सेवेंथ प्लॉडी एन अमाउंट ऑफ डीएनए प्लॉइडी एन अमाउंट ऑफ डीएनए क्विक थोड़ा सा एक बार रिकॉर्डिंग और देखना दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कल की क्लास में माइटॉस से शुरू करूंगी तो मैं बार बार फ्लॉइडी अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करूंगी ठीक है उस टाइम घबराना नहीं है एकदम प्यार वन शू विध वन टाइप ऑफ लेस वन शू विद वन टाइप ऑफ लेस वन टाइप ऑफ शू वन टाइप ऑफ लेस वन टाइप कंडीशन क्या दिख रही है कितना ही रंग बिरंगा बना दू मैं इसको ईच एंड एवरी क्रोमोजोम इज वन विच इज मेड ऑफ वन क्रोमाटेड दैट मीनस प्लॉइडी इज एन अमाउंट ऑफ डीएनए सी एन की वैल्यू नंबर ऑफ क्रोमोजोम की वैल्यू इसके हिसाब से चार हो सकती है बट आई डोंट नो पीछे क्या कंडीशन है है ना जब तक कि मुझे ये बोलता नहीं कि एन इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स या एन इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री की मेरे पास तेईस क्रोमोजोम है

है कि डिप्लॉइड देख लेना आ जाओ लास्ट थ्री हाँ फटाफट से एक बार लेते हैं इसको कंप्लीट चलो ये होता नहीं है बट लेट्स सी इफ यू कैन फाइंड एंड आंसर इट करेक्टली लुक एट इट ये होता नहीं है बट लेट्स सी इफ यू कैन आंसर इट जूते कितने फीते कितने जूते कितने फीते कितने हाँ कौन है ये गुड आ ये गड़बड़ करी विशाल ने जो गड़बड़ करी विच इज वेरी कॉमन बच्चे क्या करते हैं हर एक को अलग अलग गिन जाएंगे ये एक दो तीन चार पांच छ बारह हाथ बना लो तुम दुर्गा माता बन जाओ तुम अभी तक जब तुम इसको एक क्रोमोजोम समझ रहे थे जब इसको एक क्रोमेटेड सुन मान रहे थे तो यहां आके वो छे कैसे हो गए भाई ये गड़बड़ बहुत कॉमन है आगे जाते जाते दिमाग अपने आप माइटोसिस कर जाता है कॉन्सेप्ट का बेटा दिस इज वन सिंगल ना दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री व्हाई आर यू काउंटिंग ईच एंड एवरी पार्ट एज वन व्हेन आई वाज कंसीडरिंग दिस एज अ क्रोमेटिड ये यहां जाके एक से दो कैसे हो गया सेंट्रोमियर 1n उस एक एन पे एक सेंट्रोमियर पे कितने धागे जुड़े हुए हैं तीन ऊपर अलग नीचे अलग नहीं है दैट इज़ वन सिंगल क्रोमैटेड आई हैव सी डज़ नॉट एक्जिस्ट लाइक दिस जस्ट टू चेक एंड कंफ्यूज अ लिटिल मिट मोर नाइन्थ चलो अमाउंट ऑफ डीएनए एंड प्लॉइडी एंड अमाउंट ऑफ डीएनए जल्दी खत्म करते फिर इसके बाद अरे भाई श्रीजनी सही पढ़ रही थी एकदम से कुछ कॉन्सेप्ट में माइटोसिस कर दी छह सात आठ नौ दस बारह तेरह पच्चीस हजार अगर इसको तुमने थ्री एन बोला अगर तुम इसको थ्री एन बोलो तो ये क्यों रॉन्ग है वाई डू थिंक इट इज रॉन्ग क्योंकि अगर मैं एक और क्रोमोसोम बनाऊंगी तो तुम फोर एन बोलोगे एक और बना फाइव एन बोलोगे इसके हिसाब से तो मेरा बॉडी फोर्टी सिक्स एन हो गया ब्लेंडर लुक एट दिस ये ब्लू वाला आपको बता रहा है इस टाइप के हैं येलो वाला आपको बता रहा है इस टाइप के हैं ग्रीन वाला बता रहा है आपको इस टाइप के हैं है ना आपको टाइप बताया जा रहा है आपको कंडीशन बताई जा रही है आपको नंबर नहीं बताया जा रहा है बेटा ध्यान दो फिर से वॉट ट्रेंड डू यू सी यू सी दैट ब्लू की भी एक कॉपी है येलो की भी एक कॉपी है ग्रीन की भी एक कॉपी है दैट मीनस ईच क्रोमोजोम हैज वन कॉपी कॉपीड वन जूता ऑफ वन टाइप भूल जाते हो वन जूता ऑफ वन टाइप एंड देन हाउ मैनी लेस इन वन शू टू लेसिस इन वन शू टू लेन वन शू दैट मीन्स दैट मीन्स ईच क्रोमोजोम इज ऑफ टू क्रोमाटे टू थ्रेड्स टू सी इसमें और इसमें सिर्फ नंबर का डिफरेंस है आप देखो मैंने इसको भी एंड टू से लिखा इसको भी एंड टू से लिखा बिकॉज मैं नंबर गिनने नहीं आई मैं कंडीशन बताने आई हूं कि देखो चाहे मैं तुम्हें एक क्रोमोज दिखाऊं चाहे मैं तुम्हें सौ क्रोम दिखाऊं वट डू यू सी इन देम दैट ईच एंड एवरी क्रोमोजम का एक कॉपी इज देयर एंड एवरी क्रॉप कॉपी इज मेड अप ऑफ टू क्रोमैटिक्स दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल है ना सो अंडरस्टैंड कि चीज का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है चीज का नंबर नहीं बताया जा रहा है ठीक है लास्ट टेंथ स्वाहा करते हैं दसवें कोई आंसर क्वेश्चन के साथ एंड देन वील एंड द सेशन ओके लास्ट प्लॉयडी एंड नंबर ऑफ डी एन ए अमाउंट ऑफ डी जल्दी एक्सिलेंटो शाबाश हर एक टाइप के दो जूते हैं टू एन ईच जूता हैज टू लेस इन इट मैं सिर्फ व्हाइट वाले को देख के बता सकती हूं कि सबकी क्या कंडीशन है टू 4c फोर सी अरे यार मिटोई टू एंड फोर सी कल इसको रिवाइज करके आओगे आई विल ऑल्सो बी सेंडिंग यू वन लिंक फॉर सेल साइकिल सेल पोर्शन जिसमें कि आपका सेंट्रियोल वगैरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है दैट ऑल्सो विल डू टूमोरो एक बार रीडिंग लगा के एक बार टू एक्स पे देख लेना फुल स्पीड में ठीक है सेंट्रियोल वाला कॉन्सेप्ट और क्रोमैटिन uh, वाला कॉन्सेप्ट एंड इसको रिवाइज कर लेना इफ़ इट इज नीडेड आई थिंक इट इज नीडेड नहीं तो रात तक भूल जाओगे फीता जूता सब मिक्स हो जाएगा ठीक है सो जस्ट गिव इट वन क्विक रिविजन बिफोर यू कम टूमोरो टू द क्लास वी विल कवर इट अप मैं अगर फुल डेडिकेशन के साथ फ्री सेशंस में इतना जान डाल सकती हूं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डेडिकेशन लेवल मेरी तरफ से कितना है और अगर आपकी तरफ से उतना आ जाता है तो दैट इज गोइंग टू बी परफेक्टली इनफ ठीक है सो जस्ट हैव टू टेक केयर कि आप कंसिस्टेंट हो आपको बीच में दो तीन दिन का गैप भी दिया गया था ताकि आप बैकलॉग कवर कर सको ऐसे बीच बीच में एक दो दिन एक दो दिन गैप आ जाएंगे क्योंकि थोड़ा फेस्टिव सीजन आ रहा है ठीक है सो मेक श्योर यूर नॉट वेस्टिंग इट आउट यू आर यूजिंग दैट टाइम एंड अगर आप प्लस पे हो तो लाइव क्लासेस इंटरेक्शन विद लीडर योर एजुकेटर लाइव बोर्ड्स लाइव लीडर बोर्ड्स एंड डाउट क्लियरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाउट क्लियरिंग में भी और जैसे आज हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसके लिए हम क्विजेस कर सकते हैं साथ के साथ ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ प्लस जो कि हमने किए भी थे वाई आई ऑज टीचिंग सेल साइकिल ऑन प्लस ठीक है तो ऐसे इंटरेक्टिव सेशन के लिए यू कैन ज्वाइन मी ऑन प्लस एज वेल कोड आपका है कोमल लाइव के ओ एम एल एल आई ई लाइव राइट यूज द कोड गेट योर टेन परसेंट ऑफ आईकॉनिक में आपको मेरे साथ साथ बेटा एक मेंटोर और मिलेंगे टू गाइड यू थ्रू विद टाइम टेबल और सब कुछ मेंटोरशिप में और मैं भी हूँ डोंट वरी अबाउट इट लेट मी नो अगर आपने कोड यूज करा है तो बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प वैसे भी आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प अगर कोई और बच्चे कोई मदद चाहिए तो बता देना ठीक है जस्ट फॉर अ गाइडेंस आईकॉनिक में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे घर तो पर डिलीवर हो जाएंगे वन ऑन वन मेंटोरशिप है तो काफी फुल फ्लेज पैकेज है आइकॉनिक का ठीक है इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव भी है बिकॉज देर इज अनदर पर्सन इन्वॉल्व विद यू जिसका आप ही वन सोल अटेंशन हो ठीक है सो so, ये चीज ध्यान रखना कोड आपका वही रहेगा कोमल लाइव यू कैन गो फॉर आइदर ऑफ द सब्सक्रिप्शन कॉम्बो ऑफिस भी चलते हुए ठीक वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट होता है एवरी संडे इसके लिए एनरोल कर देना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कोमल लाइव इज योर कोड यूज द कोड एंड एनरोल फॉर इट देखो पढ़ाई करना इज टोटली आज की डेट में यू डोंट हैव टू पे अ पेनी फॉर इट इफ़ यू आर कंसिस्टेंट लेकिन अगर आपको लगता है वो कंसिस्टेंसी कहीं लैगिंग है आपको चाहिए कि नहीं क्लास का टाइमिंग हो टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे है, ये हो वो जो आपको पुराने तरीके से पढ़ने की आदत है अगर है ना तो नो प्रॉब्लम यू कैन कम दैट यू कैन कवर दैट इन प्लस एन आइकॉनिक क्योंकि आइकॉनिक में आपके पीछे एक इंसान डंडा ले घूमता रहेगा कितना हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कवर हुआ नहीं ठीक इफ़ यू आर डेडिकेटेड इनफ इट इज़ जस्ट द फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है वो है फैमिली में तो आई थिंक आप स्कॉलरशिप एग्जाम को टारगेट कर सकते हो हर संडे होता है एक साल से डेढ़ साल से ऊपर हो गया इसको कंसिस्टेंटली एवरी संडे होते हुए नंबर ऑफ अटैम्प्ट आर नॉट लिमिटेड तो आप पेपर दे सकते हो बार बार आप अपना प्रैक्टिस चेक कर सकते हो एंड इफ़ यू आर प्रिपेयर यू फील कि इतना तो मैं कर ही दूंगा तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट बॉटनी का नेक्स्ट पेपर uh, मैंने बनाया सिलेबस इलेवेंथ ट्वेल्थ का सिलेबस आई विल शेयर टेलीग्राम ग्रुप ठीक है मेक श्योर मेक श्योर डेट आप एक अटेम्प्ट तो दो ठीक है हो नहीं हो जो होगा देखा जाएगा बट एन अटेम्प्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट आज की पीडीएफ शेयर कर दूंगी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सो so फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टे आप स्टे हाइड इट स्टे सेफ आज का टाइम टेबल कुछ ऐसा रहेगा पांच बजे प्लस की क्लास है ठीक है सो दैट इज द क्लास टूडे स्पेशल क्लास आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर इसके कंप्लीशन के बाद तीन दिन का चैप्टर है बेटा जरा सा तो परसों दैट इज वी विल बी डूइंग अ मैराथन ऑफ हंड्रेड क्वेश्चन ठीक है और वो भी स्पेशल क्लास पे होंगे लिखा नहीं है कहा गया हंड्रेड क्वेश्चन ब्लैक से लिख दिया मैंने इतना टैलेंट क्यों है मेरे में हाँ आ जा हंड्रेड क्वेश्चन वी विल डू ऑन स्पेशल क्लास आई विल शेयर द लिंक मैं आज ही क्लास बना दूंगी ताकि आपके पास दो तीन दिन हो आप क्लास ना मिस कर जाओ ठीक है थैंक यू सो मच स्टे हापी स्टे हापी इट इज स्टे सेफ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास प्लीज यूटिलाइज द टाइम अगर कोई टीचर क्लास नहीं ले रहा है तो उनके प्रीवियस सेशन्स देख लो अपना बैकलॉग कवर कर लो वेरी 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 क्रूशल सोचने में लगता है कि हाँ है छः सात महीने हमारे पास पढ़ाई करने को कुछ टाइम नहीं है इफ़ यू ब्रेक इट डाउन इट्स वेरी लेस टाइम वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ इट सो मेक श्योर यूर यूजिंग योर टाइम जुडिशरी ठीक है करेक्टली एंड प्रॉपरली